नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। हर घर तिरंगा को लेकर भेरूलाल पाटीदार शासकीय महाविद्यालय महू की एनसीसी कैडेट कोर की छात्र छात्राओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। महू के स्थानीय हरिफाटक चौराहे पर महू विधायक एवं मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष मनोज सिंह ठाकुर तथा सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने 12 बजे रैली को हरी झंडी दिखाकर रैली की शुरुआत की। भेरूलाल पाटीदार शासकीय महाविद्यालय की छात्राओं और स्कूली छात्राओं द्वारा हाथ में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लेकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए आर्मी स्थित इन्फेंट्री स्मारक पर जाकर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। स्कूली छात्रों ने शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए राष्ट्रीय ध्वज को लहराते हुए चलते एक ताल में चलते रहे, भारत माता की जय के नारे लगते रहे। रैली में पूरे समय राष्ट्रीय भक्ति गीत की मधुर धुन पर शहरवासी मग्न हो गए। रैली में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मनोज ठाकुर, उनके साथियों का उत्साह देखते ही बनता था। कार्यक्रम का संचालन कॉलेज के प्राचार्य श्रीमती शोभा जैन ने किया। मंत्री उषा ठाकुर ने संबोधन में कहा, ये समय हमारे लिए देशभक्ति जगाने का है। जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि हैं, अपने अपने क्षेत्र में हर घर तिरंगा वितरण कराएं। हम भी संस्थाओं के माध्यम से तिरंगा झंडा वितरित करवाएंगे। आप सभी से निवेदन है, देश का 75वां अमृत महोत्सव अपने घर तिरंगा लगाकर देश की शान बढ़ाए, स्वयं की शान बढ़ाए। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए महू से श्याम खांडेकर की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और पूरे देश का यह संकल्प है कि हर घर तिरंगा लगाकर प्रत्येक परिवार अपनी राष्ट्रभक्ति का परिचय दे और उन हुतात्माओं बलिदानियों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करे जिन्होंने देश को स्वाधीन करने के लिए अपना सब कुछ नछावर किया था। आज उसी के तारतम्य में ये रैली स्वर्गीय भेरूलाल पाटीदार महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने निकाली और वो जन जागरण के लिए आज पूरे महू में इस रैली को घुमाएंगे। हर नागरिक से प्रार्थना करेंगे कि आप स्वयं झंडा खरीद कर अपने घर पर अवश्य लगाएं। दीदी, ये सब कार्यक्रम होने हैं 15 अगस्त तक के, तो महू में किस तरह की तैयारियां हैं आपके द्वारा? हमारे यहाँ भी जैसे निर्देश मिले अक्षरशः तैयारी है। ये अभियान 11 से 17 हमें करना है और हर घर को प्रेरित करना है कि वो राष्ट्र ध्वज खरीद कर सम्मान से अपने घर पर पहने।